विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के भीतर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मसला भी उठा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सवाल के माध्यम से सरकार से पूछा कि प्रदेश में कितने युवा सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, उनको सरकार रोजगार देने की क्या व्यवस्था कर रही है। जवाब में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूर्व से कार्य योजना तैयार कर रही है। सेवा योजन कार्यालय में 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। इसके साथ ही विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जल्द सेवायोजन विभाग को आउटसोर्स एजेंसी बनाया जाएगा, जिससे सेवायोजन में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। मेरा मानना यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक तरफ कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर बात कर रही है, एक तरफ कांग्रेस युवाओं को लेकर बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, और जब केंद्र की एक स्कीम 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की आती है तो उसका विरोध कोई कर रहा है तो सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस कर रहा है। लोगों को भड़काना, बैकडोर से लोगों को भड़काना बहकाना, ये कांग्रेस अब राजनीति रह गई है। आप केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है, स्टेट की सरकार संवेदनशील सरकारें हैं, और आपने खुद देखा कि कैसे उसकी एज लिमिट बढ़ाई गई, 23 साल तक कर दिया गया उसको, लोगों की राय मांगी जा रही है। सेम हमने एक ट्रेंड किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से किसानों को जब एक लॉ लेके आए तो किसानों को भड़काया गया और उनको धरने पर बैठा दिया गया, लेकिन उस वक्त भी माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संवेदनशील तरीके से उस मैटर को देखा और उसमें अमेंडमेंट्स किया।